बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज दो अपडेट्स देनी थी आपको अपने। ये मैं बजीज लेके आया हूँ, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। ये पहले केज मैंने उस साइड पे लगाया था, तो वहाँ से मैंने उतार के यहाँ पे लगा दिया। और दो नए केज आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर इंशाल्लाह सेट करेंगे, तो इस वजह से इसको उतार के यहाँ पर लगाया। अब ये मैं ऑस्ट्रेलियन लेके क्यों आया हूँ, ये मेरे पास 8 पेयर्स हैं, नॉर्मल बजीज हैं, कोई एग्जीबिशन वगैरह नहीं है, और साइज़ माशाल्लाह इनका अच्छा है। तो ये मैं लेके आया हूँ 8 पेयर, और ये मैं लेके आया हूँ फोस्टरिंग के लिए। इनके नीचे मैं लव बर्ड की एग इंशाल्लाह फोस्टर करूँगा। और ये मैंने ये जो वाला केज है जहाँ पर मैंने लव बर्ड अभी रखे हुए हैं अल्बिनस, तो इसको मैंने फ्री कर लेना है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन आएंगे, इनके लिए नया केज बनवाया, थोड़ा सा बड़ा 2.5 बाई 1.5 बाई 1.5 का खाना होगा। 1-2-8 खाने वो आएंगे, और ऑस्ट्रेलियन जो हैं ये 1.5 बाई 1.5 वाले खाने में चले जाएंगे। तो एक अपडेट तो ये है, इंशाल्लाह जब फोस्टरिंग करेंगे उसका क्या रिज़ल्ट बनता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह मेरे इस पेयर ने एग ले कर दिया है डब के, और ये अभी फीमेल जो है ये एग पे ही बैठी है, तो अब मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर छेड़ा तो इसमें मसला ये होता है कि परों के नीचे इनके अंडे आता है, तो जब इसको उठाएंगे तो अंडा टूट भी सकता है। तो डब जो ऐसा बर्ड है ये अमन पसंद होता है, इसको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। इसमें जो फीमेल है ये रेड पाइड की है, वो मेरा मेल है, ठीक है जी, वो डायमंड पाइड का मेल है, लेकिन वो स्प्लिट है रेड पाइड का। ऊपर ये मेरा मेल बैठा है, ठीक है जी, और ये रेड पाइड का मेल है, लेकिन ये सिल्वर का जो है वो स्प्लिट है सिल्वर पाइड का, और ये रेड पाइड की फीमेल है। तो इंशाल्लाह ये भी जल्द ही अगले कर देगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।